अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही चिकन कटलेट्स। चिकन कटलेट्स बनाने के लिए 250 ग्राम चिकन है और ये 150 ग्राम आलू है, एक अंडा है, ये क्रीम है। अगर आपके पास क्रीम नहीं होगी तो आप लोग इसको मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई भी अगर ना हो तो मेयोनीज डाल सकते हैं आप लोग इसमें। एक चम्मच ये क्रीम है ये, और एक चम्मच बटर है, और एक चम्मच अदरक लहसुन, थोड़ी सी कोथमीर है, और ये हरी मिर्ची है, दो तीन हरी मिर्ची है। ये मैं अपने हिसाब से मिर्ची डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से अपने हिसाब। ब्रेड गरम है, ये नमक है टेस्ट के हिसाब से, और ये चिली फ्लेक्स है, थोड़ी सी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट डाल सकते हैं जितना चाहिए आप लोगों को। और आधा चम्मच काली मिरी है। इसमें चिकन डाल देंगे, चिकन को हम एक दो सीटी लगाएंगे। अभी हम इस चिकन को गलने रखेंगे और दो आलू डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे, ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एक आधा कप पानी डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको दो सीटी लगाएंगे। आलू गल गया है, देखो इस तरह गलना चाहिए आलू, जो एकदम छुरी अंदर जा रही है ना, तो ऐसा गलना चाहिए। तो अब इसको ये आलू को निकाल देंगे, इसमें जो पानी है थोड़ा सा, वो पानी को सुखाएंगे। इसमें जो पानी है वो पानी को एकदम ड्राई करेंगे, मतलब सुखा देंगे। मेरे को इंग्लिश कम आती है बोलना। अभी ये पानी, इतना पानी है, ये पूरा पानी सूखना चाहिए और सूखना, थोड़ा सा सूख गया ऐसा तो थोड़ा और सूखना है। ये अच्छे से इसको ऐसे सुखा लेने का पानी। अभी हम इसको निकाल देंगे इसको। कर लेंगे इसको, अभी इसको ऐसे मैश कर लेंगे एकदम। मैश भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं। इसके पूरे रेशे एकदम अलग अलग हो जाना चाहिए। देखो ये रेशे अभी ये अलग अलग हो गए हैं। ये अपन चाहे तो इसको मशीन में, मिक्सर में भी कर सकते हैं, मिक्सर में भी कर सकते हैं, मगर मिक्सर में करेंगे ना तो टेस्ट नहीं आता है। इसको ठंडा होने के बाद हाथों से भी इसको ऐसा कर सकते हैं इसको, तो मैंने इससे कर ली। अभी आलू डालूंगी मैं, आलू को भी एकदम ऐसा पूरा मिक्स करेंगे इसमें डाल के। इसको आलू को हमने इसमें अच्छे से मैश कर लिए। अभी ये मसाले डाल देंगे इसमें। तो पहले हमने चिकन, पहले चिकन में नमक डाले हैं, तो अभी वो आलू के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। मिक्स हो गया है, आप लोग चाहे तो इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते और चम्मच से भी कर सकते, जैसा आपको पसंद है वैसा। अभी हम एक अंडा फोड़ेंगे इसमें, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं नमक डालेंगे। इसको भी फेंट लेंगे। हाथों में थोड़ा तेल लगा रही हूँ अभी, और मेरा ये जो है चिकन और आलू का ये मेरा घट है, ये अगर पतला हो जाएगा तो घबराने का नहीं। तो मैं आप लोगों को मैं एक करके बताती हूँ, अगर पतला हो गया तो इसको ऐसा करने का। इसको ऐसा कर लिए, इसको ऐसा मैंने दो अलग अलग करके रखी हूँ ब्रेड ग्रम, ये अलग करके रखी हूँ, ये अलग, लेकिन मेरा पतला नहीं है। अगर बाय चांस पतला हो गया तो उसको ऐसा कर लेने का, ऐसा कर लिए, फिर इसको ऐसा ऐसा कर लेने का हल्के ऐसे ब्रेड ग्रम। पतला होने के बाद इसको लगा लिए, फिर इसको ऐसा करने का, इसको करने के बाद फिर इसको अंडे में ऐसा डिप कर लेने का। डिप करने के बाद फिर इसको वापस से ये दूसरे वाले में, दूसरे उल्टे हाथ से इसको ऐसा ऐसा कर लेने का। अभी मैं इसको ऐसा कर लूँगी, फिर उसके बाद में ना इसको अंडे में मैं इसको डालूँगी। क्यों बोले तो मेरा कड़क है ना, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट इसको अंडे में डाली। वो जो पतला हुआ था, जो मैंने पहले एक पीस बनाई बता के, एक पीस जो बना के बताई, वो पतला होने की वजह से इसको पहले ब्रेड गरम में करने का था। ये मेरा कड़क होने की वजह से मैं इसको अंडे में डिप करके इसको ऐसा करके हल्के हाथों से इसको ऐसा डालने का, इसको ऐसा बनाने का।
देखो मैंने बना ली इसको अभी, तो मैं चाहे तो अभी इसको मैं फ्राई कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। आप लोग चाहे तो इसको ऐसा फ्रिज करके पन्नी के अंदर, ये ऐसी पन्नी में आप लोग चाहे तो इसको ऐसा लॉक करने का, इसको तो ऐसा खुलने के लिए ये, तो इसको इसमें रख के रमज़ान के लिए 15-20 दिन के लिए आप लोग स्टोर कर सकते, फ्रीजर में रख के आप लोग ऐसा इसकी हवा निकाल देने का, ऐसा निकाल के इसको ऐसा पैक कर देने का। आप लोग इसको 20 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते, मगर मैं एक घंटे के लिए रख रही हूँ इसको फ्राई करने के। अभी मैं शेलो फ्राई कर रही हूँ, एक घंटा हो गया मैं फ्रिज में रख के निकाली मैंने अभी, तो अभी शेलो फ्राई करेंगे। आलू और चिकन तो पहले ही पक चुके थे, थोड़े से तेल में इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, ज़्यादा तेल डालेंगे तो एकदम वो डीप फ्राई जैसा हो जाएगा। कैच के ऊपर फ्राई करने का, लाल हो गए, अब इसको निकाल देंगे, इसको हमने इसको ज्यादा नहीं पकाए हैं तो निकाल देंगे अभी इसको। चिकन कटलेट बनाई, देखो चिकन कैसा दिख रहा है इसमें। मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग भी इसको बनाना और कमेंट करके बताना इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए आप लोग कमेंट्स करके बताओ। जब तक के अल्लाह हाफिज़।